जमीन बचेगा तब ना यहाँ के लोग बचेंगे। यहाँ पी पैसा एक्ट नहीं लागू हुआ। शेड्यूल एरिया को, अधिसूचित क्षेत्र को, अधिसूचित क्षेत्र आखिर क्यों बना बतावे, सीएम ही बतावे, सरकार बतावे। सत्ताधारी दल के विधायक का आरोप है सरकार पर, आरोप है सरकार पर कि जनता से किया गया वादा निभाया नहीं गया, आरोप है हेमंत सरकार पर कि वादा के बावजूद राज्य में सीएनटी एसपीटी एक्ट लागू नहीं किया गया, आरोप है सरकार पर सत्ताधारी दल के विधायक का कि राज्य में 3 लाख वैकेंसी होने के बावजूद झारखंड के युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। इन तमाम आरोपों के साथ सत्ताधारी जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने ही हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सीएम हेमंत सोरेन पर आदिवासियों के विकास के साथ साथ रोजगार को लेकर फ्री का क्रेडिट लेने का आरोप तक लगा दिया। विरोधी है वो तो हर मंच से आदिवासी, मैं बोल रहा हूँ ये हेमंत सोरेन आदिवासी मूलवासी विरोधी है, क्योंकि उन्होंने आदिवासी मूलवासी को यहाँ से ठगा है। उन्होंने आश्वासन दिया था, लालच दिया था, भरोसा दिया था, और लोगों को विश्वास भी रहा था, इसीलिए लोग दिल खोल के नारा लगाया अब की बार हेमंत सरकार, अब की बार हेमंत सरकार लगाया, सरकार बनी भी, लेकिन ये सब चीज कहाँ हो रहा है, इसीलिए बोलना पड़ रहा। हम तो बोलेंगे, वो लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन हम तो जनप्रतिनिधि, मैं एक विधायक हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक होने के नाते भी हमको बोलना पड़ रहा है, चूंकि हम एक विधायक हम जनप्रतिनिधि हैं, आज नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, फिर अगर नहीं बोलेंगे तो क्षेत्र की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। चुनावी वादा था, आने वाले चुनाव में जनता जवाब मांगती, लेकिन जनता से पहले जनप्रतिनिधि ही सरकार से जवाब मांग रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम के इस तेवर में जवाब देने की बजाय जेएमएम लोबिन हेम्ब्रम पर ही सवाल उठा रहा है। देखिए कितना बोले, बोलते बोलते हमको लगता है ये सरकार थेथर हो गई। हम तो पहले भी बोले थे, सुनते सुनते थे तर, लेकिन कर नहीं रहा है कुछ। टीएससी में जो बैठक हुई, लोग तमाम लोग कर रहे हैं, आदिवासी नेता भी बोल रहे नहीं सही है, अब थानों की बाध्यता खत्म करने की जरूरत है, आदिवासियों की जमीन को। फिर वही नेता आदिवासी भी क्यों नहीं बोलता सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट क्यों नहीं बोलता, यहाँ पी पैसा एक्ट क्यों नहीं बोलता, स्थानीय नीति क्यों नहीं बोलता, नियोजन नीति, आदिवासी का हिमायती बने हो अभी। विपक्ष का काम जब सत्ताधारी दल के विधायक ही करने लगे तो विपक्ष के लिए मौका खास होता है। लोबिन हेम्ब्रम के बहाने ही बीजेपी सरकार से आदिवासियों के हितों को लेकर राज्य सरकार से सवाल पूछ रही है। आज ये अधिसूचित क्षेत्र का क्या बेहतर रहा, टीएससी में तमाम लोग बैठे, एक निर्णय हुआ, तो इसका स्वागत क्यों नहीं करते हैं आप? क्यों स्वागत करेंगे, गलत निर्णय लेगा तो क्यों नहीं। अगर आज ये शेड्यूल एरिया को, अधिसूचित क्षेत्र को, अधिसूचित क्षेत्र आखिर क्यों बना बतावे, सीएम ही बतावे, सरकार बतावे, ये अधिसूचित क्षेत्र क्यों बना, किसके लिए बना, क्या वो सुरक्षित है, अधिसूचित क्षेत्र के लोग सुरक्षित है क्या? झारखंड की सियासत में लोबिन हेम्ब्रम के तेवर को बगावती तेवर के तौर पर देखा जा रहा है। सीधे सीधे लोबिन हेम्ब्रम ने सीएम के साथ साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगे इस तेवर के कई रंग दिखेंगे। रांची से संवाददाता शाहनवाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाय स्कूप।